भाई ऐसे गाड़ियों में ना रोल्स रॉयस लग्जरी के मामले में वैसे ही बोलते हैं सब इक्वल मतलब लग्जरी के मामले में 10/10 फॉर लग्जरी कंट्रोलर जिससे आपकी पूरी सीट्स हैं एक्चुअली एक्शन मूवी है स्पाइडरमैन तो ये पूरी जो सीट्स हैं वाइब्रेट करती हैं Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up, guys? Welcome Vlogs back here and भाई welcome back to our channel. और दिल्ली वालों पे आजकल चल रहा है जुलूम बिल्कुल फुल बिकॉज अब देखो जो वेदर है ठंडी का मौसम चल रहा है ठंडी हवा चल रही है बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है और ऐसा मौसम मतलब यार दिल्ली वालों से भगवान क्या चाहते हैं इतनी ज़्यादा ठंड कितनी करनी है अभी टेम्परेचर रखा है 12 डिग्री सेल्सियस और जो मेरी हुडी है ना एक्चुअली ये मैंने ली थी 2018 में जब मेरा वेट था 92 kgs और जो साइज़ है मेरा वो था डबल एक्सेल अब मेरा है साइज़ मीडियम तो इसमें मेरे ऐसे दो आ जाएंगे मतलब आराम से फिट बट फिर भी आई लाइक दिस हुडी बहुत ज़्यादा तो इसलिए इसको मैंने पहन रखा है आज एंड आज मैं हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा वाला एक्साइट बिकॉज मैं जाना शाम को देखने के लिए नो वे होम स्पाइडरमैन मेरे को कहीं टिकट मिली नहीं उसके बाद एक थोड़ी दिक्कत हो गई थी पहले मैंने लिया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुबह 7:25 का और मैं सो गया उसके बाद मैं उठा आराम से 10:30 बजे मैंने सोचा चलो चलते हैं जब मैं टाइम देख लिया कि भाई ये तो 10 बज चुके हैं और मूवी निकल चुकी है तो मैंने सोचा चलो दोबारा सो जाते हैं अब मैं दोबारा उठाऊँ टिकट बुक करी है मैंने साकेत की जो कि मैंने कहा था 30 kilometers दूर एंड भाई मेरे को तो मूवी देखनी थी क्या कुछ भी हो जाए आज तो मैंने लिए PVR की गोल्ड क्लास और जो टिकट है वो मेरे को पड़ी है 2100 rupees की जो नॉर्मल टिकट है वो थी कम से कम 200-250 rupees की बट देखते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में गोल्ड क्लास है नॉर्मल क्लास में सो चलते हैं व्लॉग को करते हैं स्टार्ट सो लेट्स गो ये पेड़ देख रहे हो आप लोग जो ठंडी हवा चल रही है ना उसकी वजह से पूरा पेड़ मतलब हिल रहा है गर्मियों में लू और सर्दियों में इतनी ठंडी हवा क्या यार ये जो घर है ना ये है 3rd floor मैं रहता हूँ 2nd floor पे भाई पूरा दिन खन 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 यहाँ मार रहे हैं वहाँ ठीक कर रहे हैं वो पाइप निकाली है मैं सो ही नहीं पाता भाई नीचे बिकॉज ये वाला ऊपर वाला घर बन रहा है तो इतने ज़्यादा मतलब हथौड़े मारेंगे कीले मारेंगे भाई मतलब बंदा सो रहा होगा ना बंदा उठ जाएगा दुख का नहीं खत्म होता भाई दोस्तों को मैंने बोला भाई तुम्हारा भाई जा रहा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो कह रहे यार देखो टिकट मिल कैसे गई अब मेरे को टिकट मिली थी सिर्फ एक वो भी मेरे को मिल गई थी रेकलाइनर और मेरे को दोस्तों ने नज़रें ऐसे लगा दी कि भाई मैं खुद ही नहीं जा पाया टिकट होते हुए भी मैं नहीं जा पाया मतलब इतने अलार्म मैंने कम से कम 3 alarm लगाए थे 7 बजे का 7:02 का लगाया था 7:04 का लगाया था मूवी थी 7:30 की और बिल्कुल मेरे घर के साथ में था सिनेमा हॉल और मैं जा ही नहीं पाया ये आ चुकी है कॉफ़ी लो फैट मिल्क में फ्लैट वाइट विदाउट शुगर एंड ये है सैंडविच पूरा ब्राउन ब्रेड में चिराग भी चल रहा देखने के लिए नो वे होम यार ना भाई तू जा बेकार है कौन देखे इतनी लंबी पिक्चर भाई मजा आएगा देखने में उसका हाइट देख रहे हो कितना ज्यादा है चलो फिर बाबुल की पिक्चर है भाई आज तो होता ही है मैंने वो लिया गोल्ड क्लास PVR की ब्लैक में भाई मैंने थोड़ा सैंडविच ज्यादा गर्म कर दिया अपना जिसकी वजह से देखो ये जल सा गया है बट ठीक है मैं खा लूंगा ओके चिराग भैया खाई लेता है तू Apparently Ray-Ban launched a pair of sunglasses that have a built-in camera. तो भाई अभी I was watching the video of Casey Neistat and अभी जो Ray-Ban है वो आया एक नए गैजेट के साथ में जो कि है ग्लासेस ही बट उसमें है बिल्ट-इन कैमरा For the vloggers, it is a very good thing because हर जगह कैमरा अलाउड नहीं होता एंड यूजली लोग दिक्कत भी करते हैं कि भाई यहाँ पे वीडियो वगैरह मत बनाओ तो इसलिए चश्मे का बटन ऑन कर दो और रिकॉर्डिंग कर लो तो ये मेरे को लगा बहुत ज़्यादा अच्छा ऑल्सो ऐसे आते थे स्नैपचैट के स्पेक्टिकल्स नाम की चीज़ आती थी बट वो इतनी ज़्यादा लाइक थी नहीं इंडिया में तो अभी आई कॉल्ड सम डीलरशिप्स ऑफ Ray-Ban इन दिल्ली एंड सब ने बोला कि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है लगभग 25-26 हज़ार रुपये का है बट यार क्या चीज़ निकाली है मतलब यार वेरी इट्स वेरी वेरी गुड लाइक आई इमेजिन कि कभी ना कभी ऐसा होगा बट ये बहुत जल्दी हो गया एंड ऊपर से जो क्वालिटी है वो भी मेरे को अच्छी लगी सो आई थिंक इसको मैं कहीं ना कहीं से करता हूँ सोर्स और इसको जरूर लूंगा आप बताओ मेरे को इस वाली वीडियो करके कमेंट कि आपको पता था कि ऐसे कैसे कुछ गैजेट वगैरह आया Ray-Ban के बिकॉज आई लाइक टू ट्राई न्यू गैजेट्स हमेशा बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गैजेट्स दीज आर माई सचेस जो मैं देख रहा हूँ लास्ट आधे घंटे से कहीं ना कहीं चश्मा मिल जाए बट नहीं मिल रहा है इंडिया में कहीं तो अगर किसी का कोई पता है सोर्स वगैरह तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे जल्दी से DM कर दो यार मतलब मेरे को भाई चश्मे चाहिए ही चाहिए कुछ भी हो जाए बहुत मेरे को लगे बढ़िया मेरे को गोपाल भैया ने बोला है कि ये वाले बिस्किट खाना शुरू करते हैं मतलब इससे एक तरह से अगर मैं ये खा लूँगा सुबह सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में और ये इसमें 3 biscuits होते हैं एक पैकेट में तो मेरा पूरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा इस वाले बिस्किट से 8:56 हो चुके हैं मूवी है मेरी 10:30 की एंड मेरे को जाना है साकेत लगभग मेरे घर से मेरे को लगेगा 1 घंटा बिकॉज अभी रात भी हो चुकी है तो 45 minutes में कम से कम यही लेके चलता हूँ वैसे ही उठी लगता है दिन में 1.5 घंटा साकेत जाने में 30 kilometers के आसपास है पहले पिक करते हैं अंकल को उनके घर से और फिर चलते हैं वहाँ पे तो अब 9 बजे मतलब निकलता हूँ एंड बीच में को जाना है केक शॉप पे भी बिकॉज वहाँ पे मेरे को एक और काम है तो लगभग मैं अंकल जी के पास पहुँच जाऊँगा 9:30 तक उसके बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा 10-15 तक 10-20 तक बिकॉज जैसे ही पहुँचूंगा पहले तो ऐड चलती है 15-20 मिनट तक तो कोई दिक्कत नहीं अगर मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊँगा 15 मिनट वहाँ पे तो गाइस अभी आ चुके हैं यहाँ पे साथ में अंकल जी नमस्ते अंकल अंकल जी ने पूरा मतलब मफलर ओढ़ रखा है मास्क पहन रखा है अंकल इतनी को ठंड लग रही है और अंकल ने गाड़ी में आती अपनी देखो ऑन कर ली है हीटेड सीट्स मेरी तो थी ऐसा क्यों
अभी हम प्लान कर रहे हैं कि अंकल जाए मसूरी। पहले जाएंगे हम देहरादून, उसके बाद हम जाएंगे मसूरी। हम शायद प्लान कर रहे हैं न्यू ईयर के आसपास, मे बी हम चले जाएं गोवा, अभी कुछ पता नहीं है। बट अभी तो मसूरी का तो है ही, मतलब 31 का सीन तो डन है हमारा, कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे घूमने के लिए। वी आर हेयर इन सिलेक्ट सिटी वॉक, और भाई यहाँ पे आई कैन सी कितने लोग आ रहे हैं रात को इस वक्त, सारे मूवी देखने के लिए आ रहे हैं बिकॉज पहली मूवी की बहुत ज़्यादा हाइप है। अच्छा, इनका जो गोल्ड क्लास है वो ऊपर जाकर के अलग से है, और ये हैं सारे इसके आईमैक्स, और वहाँ पे है पॉपकॉर्न ईटिंग पॉइंट वगैरह। चलो चलते हैं अब, यहाँ पे तो पूरी वाइब है अलग है गोल्ड क्लास की, टोटल लग्जरी पूरा। देखो नीचे काउच वगैरह भी है, टोटली लग्जरी है ये तो। मतलब ये बिल्कुल लोअर ग्राउंड फ्लोर पे है, और आप देखो यहाँ पे काउचेज वगैरह हैं, एंड यहाँ का जो पूरा फूड एरिया वो भी अलग है। ऐसा ही सेट की यहाँ का जो फूड मेन्यू है वो पूरा अलग है। तो ये पूरा यहाँ का मेन्यू है, यू गाइस कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट टू रीड। एंड यहाँ पे मेरे को अच्छा लग रहा है ये लोटस बिस्कॉफ चीज़ केक, बट मैं नहीं खा पाऊँगा बिकॉज मैं अभी डाइट पे हूँ एंड जिम कर रहा हूँ। तो आई थिंक मैं कोल्ड कॉफ़ी ग्रैब करूँगा एक साथ में पॉपकॉर्न। आई एम इन द हॉल नाउ, और ये भाई कितना ज़्यादा लग्जरी है भाई। देखो यहाँ पे इन्होंने दिए 3D ग्लासेस, साथ में ही वाटर बॉटल है, देन ये है पूरा कंट्रोल करने के लिए इस रिक्लाइनर को। भाई ऐसे गाड़ियों में ना रोल्स रॉयस लग्जरी के मामले में वैसे ही बोल दिया था बिल्कुल, मतलब लग्जरी के मामले में 10/10 पूरा लग्जरी। यानी कि जो ये ग्लासेस हैं पूरे इन्होंने रखे हैं 3D ग्लासेस, क्योंकि वीडियो है वो 3D है। यहाँ पे है कंट्रोलर जिससे आप पूरी सीट्स हैं, एक्चुअली एक्शन मूवी है स्पाइडरमैन तो ये पूरी जो सीट्स हैं वाइब्रेट करती हैं, तो यू कैन कंट्रोल दिस। ये पूरा फुल पे मैंने कर दिया, यहाँ से आई कैन कंट्रोल द रिक्लाइनर लाइक दिस, एंड आप देखो कितना ज़्यादा ये सही है। आप खुद जाकर देखो अभी तक भाई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ गया भाई। गोल्ड क्लास के जो वॉशरूम है भाई वो भी इतनी ज़्यादा लग्जरी है कि मैं क्या बताऊँ, अमेजिंग। डिनर में मैंने ऑर्डर करा अपने लिए मखनी पुलाव पनीर, एंड साथ में मैंने लिया है ये आइस टी लेमनेड। देन विद द मूवी जितने भी हमारे लोकल सारे निकल गए, यूजुअली मार्वल है हमेशा देता है लास्ट में दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स, और सब लोग निकल गए थे, थोड़े बहुत ही वेट कर रहे थे, एंड उनमें से एक का मज़ा आ गया। सिलेक्ट सिटी वॉक, बहुत ज़्यादा रेयरली आता हूँ यहाँ पे बिकॉज बहुत दूर है मेरे घर से ये, बट ये मॉल बहुत बढ़िया है। अब जाता हूँ डायरेक्टली यहाँ से घर, पापा के 3 फोन आ गए भाई कहाँ है कहाँ है, बिकॉज मूवी शुरू हुई थी लगभग 10:45 पे एंड ख़त्म हुई है 1:30 बजे, अभी बीच में होता है इंटरवल 15-20 मिनट का, एंड द फूड वॉज ऑसम, मतलब माइंड ब्लोइंग फूड, अमेजिंग। यार भाई यहाँ पे ना है टनल्स, और अंकल अगर यहाँ पे लैम्बो आ गई तो टनल तो गूंज जाएंगे सारे। और ये आ गया लेफ्ट साइड में अब हमारे एयरपोर्ट, पता नहीं अंकल अब कब जाना होगा दोबारा, बहुत जल्द। लेट्स सी, अगला तो वही सीन या तो बैंकॉक का है या मालदीव्स का है या तो दुबई का होगा, बट अभी के लिए घर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आता है पॉइंट कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस वाले सिनेमा हॉल में। तो मैं ये बोलूँगा कि कभी ना कभी एक बार ज़रूर ट्राई करना कि भाई देखो, मैं मेरे को पता है कि यूजुअली जो सिनेमा हॉल की टिकट आती है वो 2000 रुपये की नहीं होती है, 200 रुपये की मिल जाती है, एंड जो टिकट मैंने ली है वो 2100 की ली थी, तो इतने में 10 बंदे आराम से देखेंगे यार, मैं 10 मूवी देख लेता। बट ऐसा क्या है कि मतलब यार लग्जरी बहुत ज़्यादा था, मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए आई थॉट कि भाई स्पाइडरमैन भी हाइप बहुत ज़्यादा है, ऊपर से मेरे को कहीं टिकट मिल भी नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि चलो यही बुक करते हैं, इसी बहाने अपना जो ऑडियंस है वो भी देख भी लेगी गोल्ड क्लास कैसा है। तो कैसा रखा पूरा आज के ब्लॉग में बताने से वीडियो करके कमेंट, अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, स्पाइडरमैन जरूर देख के आना, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है, एंड लास्ट में है दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स, वो बिल्कुल भी स्किप मत करना बिकॉज आई सॉ द व्लॉग ऑफ आशीष चंचलानी एंड मेरे को उनके व्लॉग से पता लग गया था कि जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स है वो दो है एक नहीं है इस बार। तो चलो खत्म व्लॉग यहीं पे, विद दैट सेड बाय एंड स्टे सेफ।